रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर क्यूडी की कोर्स के अंदर डेटा कनेक्टिविटी फ्रॉम सर्वर्स। हमने इससे पहले की क्लासेस में बात की कि गेट डेटा फ्रॉम फाइल से कैसे लिया जाता है, अब बात करेंगे फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस में बात करें सबसे पहले एमएस एक्सेस डेटाबेस। अगर एमएस एक्सेस डेटाबेस के अंदर अगर कोई क्यूरी है या कोई एक फाइल है तो उसको कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ हम आते हैं एमएस एक्सेस के लिए, डॉक्यूमेंट में आते हैं और यहाँ अपना डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते समय आपको यहाँ पर दिखेगा इसके अंदर सारे टेबल्स और क्यूरी एंड रिपोर्ट्स। तो ये टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री आ गया, ऐसे ही क्यूरी वन, क्यूरी टू एंड क्यूरी थ्री आ गया। तो इसमें क्यूरी टू हमें चाहिए क्योंकि ये टोटल है, या क्यूरी वन चाहिए या डेटा चाहिए, आप इसको लोड कर सकते हो। देखिए, आपने देखा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, देन यू कैन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसपोज करते ही आपका चला जाएगा कहाँ पे, पावर क्यूरी के अंदर, जहाँ आप इसके अंदर एडिशंस कर सकते हैं और फिर यहाँ लोड एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये डेटा यहाँ लोड हो जाएगा। तो एमएस एक्सेस से क्यूरी को और डेटा को दोनों को लोड कर सकते हैं आप यहाँ से, पहले चीज। अब बात करते हैं सीक्वल। अब देखिए, सीक्वल सर्वर में हमारे पास डेटा है, मुझे इस डेटा को लोड करना है, तो कैसे करेंगे लोड? तो सबसे पहले इसका सीक्वल सर्वर में आपको पता होना चाहिए कि आपका सर्वर क्या है। और यहां डेटा में आते हैं, फ्रॉम डेटाबेसेस में सीक्वल डेटाबेस। सीक्वल डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर सर्वर दीजिए। सर्वर में के बाद अगर आपको पता है कि डेटाबेस कौन है, मतलब कि तो सर्वर डाला, डेटाबेस मान लीजिए मेरे पास डीटी के अंदर डेटा चाहिए, तो हमने यहाँ पे डीटी डाल दिया, डीटी। और यहाँ पे आप भी दे सकते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीटी डॉट dbo.data। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वरना हम लिख भी सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। आ गया। तो आप डायरेक्ट क्यूरी भी लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट सर्कल सेलेक्ट भी कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म करते ही आपका पावर क्यूरी पे आ जाएगा एसक्यूएल से डेटा। अब इसके अंदर जो आप करना चाहे, जिस तरह की कैलकुलेशन करना चाहे कर सकते, जो कि आगे क्लासेस में हम बताएंगे। उसके बाद लोड एंड क्लोज कीजिए, क्लोज हो जाएगा। तो एसक्यूएल क्वेरी में हमने डायरेक्ट क्यूरी कनेक्शन लिख दिया था ना, आप इसमें क्यूरी कनेक्शन आपको नहीं आता है, एसक्यूएल क्यूरी करने नहीं आता है, तो यहाँ आप जो है एसक्यूएल सर्वर में आइए और यहां आप अपना सर्वर का नेम डाल दीजिए एंड ओके कीजिए। डेटाबेस आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैं लिख देता हूं डेटाबेस, बट मैं नहीं लिखा, बट यहां पे सारे डेटाबेसेस आ गए। अगर लिख देते डेटाबेसेस नहीं आता, मुझे आईपीटी के अंदर यहां जो एसएल है उसको सिलेक्ट करते और एसएल का डेटा मुझे चाहिए। यहां पे लोड या ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपका डेटा आ जाए। एसक्यूएल सर्वर से डेटा इस तरह से हम एक्सेल या पावर क्यूरी में लेके आते हैं। सीक्वल के थ्रू भी मैंने बता दिया और विदाउट सीक्वल भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब इसमें बारी आती है कि अगर डेटा मेरा किसी वेब पेज पे पड़ा हो या वन ड्राइव पे पड़ा हो तो कैसे लेके आएंगे। जैसे मैं जा रहा हूँ एक वेबसाइट, और यहाँ पे हमने सर्च कर दिया एनएसए डेटा,
अच्छा एनएस होना चाहिए, एनएस नहीं। सॉरी एनएसई होगा, एक्सचेंज है ना, एनएसए कर दिया हमने। इसका जो रियल टाइम डेटा है वो हमें चाहिए। मान लीजिए इधर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है पीडीएफ फॉर्मेट में, और देख पा रहे यहाँ से डाउनलोड कर रहा। अब मुझे मान लीजिए कि जो पीडीएफ डेटा है ना, मुझे सेम टू सेम यही चाहिए, इसी को चाहिए। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक कर दिया। कॉपी लिंक करने के बाद यहाँ हम जो है डेटा मेनू में आते हैं, और ये फ्रॉम फाइल में एक्सेल फाइल में पीडीएफ है, माफ कीजिएगा पीडीएफ है ना फाइल में पीडीएफ, और ये नीचे उस पाथ को लिख देते हैं। पाथ में डॉट पीडीएफ लगा, मैंने एक लोकेशन है एक, तो यहीं पे डायरेक्ट उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हैंग होगा, फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनलोड करके टैम्प में रखेगा तो थोड़ा सा हैंग हो सकता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। काफी ज्यादा हो गया, recording stopped.